हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर तत्वों का निष्कर्षण के बारे में आज फिर हम लोग बात करेंगे। बाबू देखो, हम लोग क्या किए थे पिछले लेक्चर में, हम लोग अयस्कों का सांदर्भ कर रहे थे। दिमाग में बैठा लें, अयस्कों का सांदर्भ यानी जो अशुद्धियाँ उसको निकालना है, जो अशुद्धियाँ उपस्थित है उसे क्या करना है, निकालना है। अब ये अशुद्धियाँ जो है कई एक अयस्कों के साधन कई एक विधि है। अब उन विधियों में कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे वो निर्भर करेगा कि आपका अशुद्धियां कैसा है और अयस्क की प्रकृति कैसा है। अगर अयस्क भारी है और अशुद्धियां हल्का है, गुरुत्व पृथक्करण। अगर अयस्क या अशुद्धियां में दोनों में से कोई एक चुंबकीय है तो चुंबकीय पृथक्करण। अगर सल्फाइड अयस्क है, दिमाग में बैठा ले, अगर सल्फाइड अयस्क है तो गुरुत्व पृथक्करण। कौन सा पृथक्करण? गुरुत्व पृथक्करण। अब हम लोग बात करें अगला, रासायनिक पृथक्करण की बात करें, पृथक्करण की बात करें रासायनिक। रासायनिक पृथक्करण यानी कि इसका दूसरा नाम निक्षालन हो सकता है। यानी कि अगर आपको अशुद्धियां को रासायनिक विधि के द्वारा हटाए, किसके विधि के द्वारा हटाए, अगर रासायनिक विधि के द्वारा अगर हटाया जाता है तो उसे रासायनिक पृथक्करण कहते हैं। अगर रासायनिक विधि के द्वारा हटाए तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक पृथक्करण कहेंगे। जैसे जैसे आप देखिए, इसमें होता क्या है। देखिए, अयस्क है, और इसमें अशुद्धियां उपस्थित है। अशुद्धियां उपस्थित है, हम क्या करेंगे कि इस अशुद्धियां को हटाना है। क्या करेंगे इसे? इन अशुद्धियां को हटाना है। तो इन अशुद्धियां को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उचित अम्ल या क्षार लेते हैं। अम्ल या क्षार लेते हैं। इन अशुद्धियां को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उचित अम्ल या क्षार लेते हैं। उचित अम्ल या क्षार लेंगे। इन अशुद्धियां को हटाने के लिए क्या करेंगे? उचित अम्ल या क्षार लेंगे। अब इन अशुद्धियां को हटाने के लिए उचित अम्ल या क्षार से इसको रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे क्या कि जो अयस्क है, अयस्क घुल जाता है। अयस्क अभिक्रिया के कारण रासायनिक, ठीक है। देखिए, अयस्क इसमें अशुद्धियां उपस्थित होगा, इसमें उचित अम्ल या क्षार डालेंगे, अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो अयस्क क्या करेगा? अयस्कों से अयस्क क्या करेगा? अभिक्रिया के कारण घुल जाता है। अभिक्रिया कारण क्या करेगा? घुल गया। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि ये अयस्क तो विलयन बना दिया, अयस्क तो क्या बना दिया? विलयन बना दिया। लेकिन इसमें अशुद्धियां अभी भी उपस्थित है। अशुद्धियां क्या है? अभी भी क्या है? ये उपस्थित है। अब हम क्या करेंगे? अशुद्धियां को छानकर अशुद्धियां अलग करेंगे। अशुद्धियां को छान कर क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। किसको छान कर अलग कर लेंगे? अशुद्धियां को।
और सुधिया को छानकर जैसे ही अलग कर लेंगे तो अब हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ बिलियन बचा। अब इस बिलियन से हम फिर अयस्क को प्राप्त कर लेंगे। बाबू समझे क्या हुआ, क्या हुआ? रासायनिक पृथक्करण में क्या होता है, इसमें अशुद्धियां को हटाने के लिए सबसे पहले हम उचित अम्ल या क्षार मिलाएंगे। उचित अम्ल या क्षार मिलाने से क्या होता है कि अयस्क तो अभिक्रिया कर बिलियन बना दिया, लेकिन अशुद्धियां अभी उस अभिक्रिया नहीं किया तो वो अघुलनशील ही रहता है। अब हम क्या करेंगे, उसे छान कर अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, उसको छान कर अलग कर लेंगे। अब जैसे ही छान के अलग कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, बिलियन बचा, यानी अशुद्धियां तो अलग हो गया। अब उस बिलियन से हम अयस्क प्राप्त कर लेंगे। यानी कि इसका सिद्धांत समझ में आया, इसमें क्या करते हैं कि उचित अम्ल या क्षार मिलाने से, उचित अम्ल या क्षार मिलाने से, उचित अम्ल या क्षार मिलाने से क्या हो गया, ये उचित अम्ल या क्षार मिलाने से अयस्क तो घुल गया, बिलियन बना दिया, लेकिन अशुद्धियां जस का तस उसी तरह से रहता है। अशुद्धियां को छान कर अलग कर लेंगे और जैसे ही अलग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, बिलियन बचा, अशुद्धियां छान कर अलग कर ले तो बिलियन बचा, उस बिलियन से अयस्क प्राप्त कर लेंगे। इसका उपयोग हम लोग बॉक्साइड अयस्क का करते हैं। बॉक्साइड अयस्क, बॉक्साइड, ये बॉक्साइड क्या है, अल्मुनियम का अयस्क है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये बॉक्साइड अयस्क में इससे जो निचालन करते हैं उस विधि को बेयर की विधि बोलते हैं, बेयर प्रक्रिया बोलते हैं। अब इस प्रक्रिया का उपयोग कब करेंगे, जब हम आयरन का ऑक्साइड, सिलिका, आयरन का ऑक्साइड, सिलिका, टिटेनियम ऑक्साइड, यदि अशुद्धियां के रूप में हो, आयरन का ऑक्साइड, क्या कहती बाबू, आयरन का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, टिटेनियम आदि अशुद्धियां हो, आदि क्या हो, अशुद्धियां हो, आदि क्या हो, अशुद्धियां हो, तो इस बेयर प्रोसेस का उपयोग करेंगे जिसमें इस अशुद्धियां को हटाना है हमको, नहीं तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो बॉक्साइड का एस जो एल्यूमिना है, उस एल्यूमिना में, एल्यूमिना में हम बेस डाल देते हैं क्षार, और इसे क्षार के साथ जैसे ही गर्म करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। सोडियम क्या बनता है, एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। अब ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना प्लस H2O बनता है, ये सोलुबल, ये क्या करता है, घुलनशील संकुल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, घुलनशील संकुल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है बाबू, घुलनशील संकुल में। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या हुआ कि निश्चालन बॉक्साइड का करेंगे, निश्चालन किसका करेंगे, बॉक्साइड का करेंगे। इस बॉक्साइड में क्या करते हैं हम लोग, तो बॉक्साइड में सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आयरन ऑक्साइड, सिलिका, टिटेनियम का ऑक्साइड अगर अशुद्धियां के रूप में हो, अशुद्धियां के रूप में हो तो इसका प्रयोग करेंगे, इस विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें होता क्या है कि जब आप क्या करते हो, एल्यूमिना को NaOH के साथ गर्म करते हो, अभिक्रिया कराते हैं, तो एल्यूमिनियम घुल जाता है, एल्यूमिना घुल जाता है और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फिर घुलनशील संकुल में परिवर्तित हो जाता है।
और यानी कि ये हमारा ये जो एल्यूमिना है रासायनिक अभिक्रिया कारण घुलनशील संकुल बना दिया, और जबकि अशुद्धियाँ जस का तस रह जाता है, अभिक्रिया नहीं करता है, उसे छान करके हम अलग कर लेते हैं, उसे छान कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं सूर्य से। जैसे ही हम इसको रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे एल्यूमिना को, ये घुलनशील संकुल का निर्माण कर देता है, और जैसे ही घुलनशील संकुल का निर्माण हो जाता है, घुलनशील संकुल का निर्माण हो जाता है, जबकि अशुद्धियाँ अभिक्रिया नहीं करता है, जब अभिक्रिया नहीं करता है तो उसे हम छान कर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब हम इस बिलियन में CO2 से संतृप्त करेंगे, बिलियन को किससे संतृप्त करेंगे, बिलियन को किससे संतृप्त करेंगे, CO2 से संतृप्त करेंगे। जैसे ही हम इसमें CO2 डालेंगे तो ये क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 का प्रेसिपिटेट दे देता है, अवक्षेप दे देता है, क्या देता है, अवक्षेप दे देता है। हम इस अवक्षेप को छान लेंगे, अवक्षेप को क्या कर लेंगे, छान लेंगे, छानने के बाद इसे वाश कर लेंगे, धो लेंगे, और इसके बाद सुखा लेंगे। सुखाने के बाद जब इसे गर्म करते हैं 1473 केल्विन पर, जैसे ही हम गर्म करते हैं तो फिर हमें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है बाबू, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, और हमारा शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है और अशुद्धियाँ भी निकल जाता है। तो देखिए क्या किया हमने, निश्चलन का प्रयोग में क्या होता है, पहले अयस्क को उचित अम्ल या क्षार में घुलाएंगे, उचित अम्ल और क्षार में घुलाने पर, उचित अम्ल या क्षार में घुलाने पर, उचित अम्ल या क्षार में घुलाने पर, किस में घुलाने पर, उचित अम्ल या क्षार में घुलाने पर अयस्क घुल जाता है, जबकि अशुद्धियाँ नहीं घुलता है, जबकि अशुद्धियाँ नहीं घुलता है, जबकि अशुद्धियाँ क्या करता है, नहीं घुलता है। अब हम क्या करते हैं कि अशुद्धियाँ नहीं घुलता है, अब हम अशुद्धियाँ को छानकर अलग कर लेते हैं। अब जैसे अशुद्धियाँ को छानकर अलग कर लेंगे तो अब हमारा बिलियन बचा, उस बिलियन से अयस्क को पुनः प्राप्त कर लेते उचित विधि के द्वारा। हम लोग इसका उदाहरण एल्युमिनियम के निश्चालन में पढ़ते हैं, एल्यूमिना के निश्चालन में, इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिना को NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जिससे कि हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, जो घुलनशील संकुल में परिवर्तित हो जाता है, अशुद्धियाँ अभिक्रिया नहीं करता है, अतः अशुद्धियाँ को छान कर अलग कर लेते हैं, अशुद्धियाँ को छान कर अलग कर लेते हैं। अब हमारे इस बिलियन में CO2 से संतृप्त करते हैं, CO2 से संतृप्त करने पर Al2O3 का जलयोजित Al2O3 का अवक्षेप प्राप्त होता है, इस अवक्षेप को धो लेंगे, सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद पुनः गर्म करते हैं 1473 केल्विन पे, तो ये हमारा शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। अब हम इसका एक और उदाहरण है, गोल्ड तथा सिल्वर का निश्चालन। देखिए गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड को हम क्या करते हैं, NaCN के साथ निश्चालित करते हैं, सोडियम साइनाइड के साथ, किसके साथ निश्चालित करेंगे, सोडियम साइनाइड के साथ निश्चालित करते हैं, किसको, तो गोल्ड को। अगर गोल्ड का निश्चालन करना है तो वायु की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में हम गोल्ड को निश्चलित करते हैं NaCN के द्वारा, सोडियम साइनाइड के द्वारा। जैसे सोडियम साइनाइड के द्वारा निश्चलित करते हैं तो गोल्ड अभिक्रिया के दौरान घुलनशील संकुल का निर्माण कर देता है, किसका निर्माण कर देता है, घुलनशील संकुल का निर्माण कर देता है, ठीक है, घुलनशील संकुल का निर्माण कर देता है, किसका निर्माण कर देता है, तो घुलनशील संकुल का निर्माण कर देता है।
ये घुलनशील संकुल हो गया, घुलनशील 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 संकुल का निर्माण कर देता है। अ प्लस फोर एन ए एच बन जाता है। घुलनशील संकुल का निर्माण कर देता है और एन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब ये घुलनशील संकुल जबकि अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है, जब अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है तो उसे हम क्या करेंगे, वो उस अशुद्धियाँ को छान कर हम अलग कर लेंगे। अशुद्धियाँ को क्या करेंगे, छान कर अलग कर लेंगे। अब हमारे पास ये घुलनशील संकुल बचा। अभी संकुल में अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व, अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व जैसे जिंक से जैसे ही उपचारित करेंगे तो ये जिंक अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व इस गोल्ड को एयू को संकुल से विस्थापित कर देता है और संकुल से विस्थापित कर देता है। इस तरह से हमारा शुद्ध गोल्ड प्राप्त हो जाता है और अशुद्धियां हट जाता है। शुरू से समझे, सिल्वर या गोल्ड का निश्चालन के लिए हम अशुद्ध सिल्वर या गोल्ड को NaCN के साथ वायु के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो गोल्ड है एक घुलनशील संकुल का निर्माण कर देता है, जबकि अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है। जो अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करने के कारण अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करता है तो उसे छानकर अलग कर लेंगे। अब जो बिलियन बचा उसमें अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व जैसे जिंक से जैसे अभिक्रिया कराएंगे, जिंक उस संकुल से गोल्ड या एयू को, अगर देख बाबू यहाँ पे गोल्ड लेंगे तो गोल्ड का, अगर सिल्वर का करेंगे तो बस एजी लेंगे, सब कुछ वही होगा, सेम रिएक्शन, सिर्फ उसका एयू के बदले एजी लिखेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर को उसके कॉम्प्लेक्स से संकुल से विस्थापित कर देता है और विस्थापित कर देने से हमारा शुद्ध गोल्ड प्राप्त हो जाता है। तो बाबू हम लोग पढ़े अयस्कों का सांद्रण दो तरीके से, एक भौतिक और एक रासायनिक। ये रासायनिक कल हम पिछले लेक्चर में हम लोग भौतिक पढ़ चुके हैं। अगर आपको भौतिक में कोई परिवर्तन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप भौतिक का लिंक दिया हुआ होगा, आप उसे जरूर देख लें, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगला धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण देखा जाए तो बाबू धातु का निष्कर्षण कैसे होगा। तो देखिए धातु का निष्कर्षण एक पद में नहीं होता है, नहीं एक पद में नहीं हो कर सकते हैं, धातु का निष्कर्षण हमेशा दो पदों में होगा। धातु का निष्कर्षण कितने पदों में होगा, तो दो पदों में होगा। हमेशा धातु का निष्कर्षण दो पदों में किया जाता है। पहला पद क्या है, तो देख पहला पद बाबू क्या है कि अयस्क से अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु ऑक्साइड। ध्यान से सुनो, हम लोग धातु का निष्कर्षण करने वाले हैं
तो धातु का निष्कर्षण क्या होता है कि धातु का निष्कर्षण एक पद में नहीं, डैट धातु नहीं निकलता है, तो डैट धातु नहीं निकलेगा बेटा, धातु निकालने के लिए हमको दो पद में करना होगा, धातु का निष्कर्षण दो पदों में। वैसे तो ये धातु का निष्कर्षण टोटल अगर शुद्ध कहे, शुद्ध धातु निकालने के लिए चार प्रक्रिया है। पहला, उसको पाउडर बनाएंगे। दूसरा, उसमें अशुद्धियाँ रहेगा, उस अशुद्धियाँ को हटाएंगे, जिसको अयस्कों का सांद्रण बोले। फिर तीसरा क्या है बाबू, कि जो हमें शुद्ध अयस्क मिला, सांद्रित अयस्क मिला, जिसका हम क्या कर चुके हैं, सांद्रण कर चुके हैं, जो सांद्रित अयस्क मिला उस सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। और फिर इसके बाद धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन करेंगे। धातु में और हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस शुद्ध धातु का शुद्धिकरण करेंगे। धातु जो निकलेगा इसमें अभी भी अशुद्धियां रहेगा, इसे हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। यानी कि धातु का निष्कर्षण जो है ये दो पदों में पूर्ण होगा। पहला, सांद्रित अयस्क को जो सांद्रण किए हुए जो अशुद्धियां निकाले हैं उस अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। अब जब धातु ऑक्साइड में जैसे ही परिवर्तन हो जाएगा तो फिर हम इसे धातु ऑक्साइड का फिर धातु में परिवर्तन करेंगे। अब बारी बारी से दोनों पद को देखा जाए। देखिए, ये धातु ऑक्साइड का सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये दो पदों में पूर्ण होता है। पहला, निस्तापन, और दूसरा जारण, या जारण का एक नाम और भी है भर्जन। यानी कि आपको अयस्क को हम लोग अयस्क जो है सांद्रित अयस्क है उस सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए हमको दो प्रक्रिया करना होगा। पहला निस्तापन करना होगा और दूसरा प्रक्रिया जारण करना होगा या भर्जन करना होगा। दिमाग में बैठा ले, जो ये निस्तापन है इसमें होता क्या है। ये अयस्क को गर्म करना है इसके गलनांक के नीचे। यानी कि वैसे प्रक्रिया जिसमें अयस्कों को जिसमें अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु के अनुपस्थिति में, गलनांक के नीचे वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता हो, वैसे प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता हो उसे निस्तापन कहते हैं। किसे कहेंगे निस्तापन? जल्दी बताओ, अयस्क को क्या करना है? अयस्क को उसके
गलनांक, गलनांक के नीचे, उसके गलनांक के नीचे वायु के अनुपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे निस्तापन कहते हैं। जल्दी बताएं वो क्या है निस्तापन, यानी वैसे प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे निस्तापन कहते हैं। निस्तापन के परिणाम स्वरूप होगा क्या चीज, इसके परिणाम स्वरूप कोई क्या परिवर्तन होता है, तो पहले अयस्क शुष्क हो जाएगा, अयस्क शुष्क हो जाता है। दूसरी बात यहां पे ध्यान रखना है, क्या हो जाता है, अयस्क शुष्क हो जाता है। दूसरी बात यहां पे ये दिमाग में बैठाना है, अयस्क शुष्क हो जाता है, दूसरी बात यहां पर ये बैठाना है आपको, ये बैठाना है आपको, अयस्क शुष्क हो जाता है, दूसरी बात यहां पर दिमाग में बैठाना है कि जो ध्यान रहे बाबू, जो जल योजित लवण है, जल योजित लवण है, वे जल योजित अयस्क है, जल योजित अयस्क अनाद्र हो जाते हैं, जल योजित अयस्क क्या हो जाते हैं, अनाद्र हो जाते हैं। जैसे जैसे Al2O3 बॉक्साइट, Al2O3 ट्वाइस H2O, ये क्या हो जाता है, अनाद्र, Al2O3 प्लस H2O हो जाता है। लिमोनाइट Fe2O3 ट्वाइस H2O, Fe2O3 प्लस H2O हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो जलयोजित अयस्क है वो अनाद्र हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, कार्बोनेट अयस्क, अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ZnCO3 ZnO प्लस CO2, MgCO3 CaCO3 क्या हो जाएगा, MgO CaO डोलोमाइट, डोलोमाइट MgO प्लस CO प्लस ट्वाइस CO2। तो दिमाग में बैठा है निस्तापन क्या है, निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो उसे निस्तापन कहते हैं। निस्तापन के फलस्वरूप जो अयस्क शुष्क हो जाएगा, जलयोजित अयस्क अनाद्र हो जाएंगे और कार्बोनेट अयस्क जो है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। कार्बोनेट अयस्क किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ऑक्साइड में।
अगला है जारण। तो जारण क्या है बाबू? ये जो वायु की अनुपस्थिति है बस वो किसमें बदल जाएगा? वायु की उपस्थिति में बदल जाएगा बस, और कुछ नहीं। यानी कि अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उसके गलनांक के नीचे वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो उसे जारण या भर्जन कहते हैं। यानी कि जब जब हम अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, अगर अनुपस्थिति में गर्म किए तो निस्तापन, अगर वायु की उपस्थिति में गर्म कर दिए तो जारण। आखिर इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा? तो पहला परिवर्तन यह बनता है कि जो यदि कार्बनिक पदार्थ अगर हो तो अपघटित हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ अपघटित हो जाता है। दूसरी बात, अगर फास्फोरस आर्सेनिक सल्फर का अशुद्धियां उसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और तथा हट भी जाएंगे। वाष्पशील है ऑक्साइड में, तो वाष्पशील हो जाए तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जैसे P4+5O2 P4O10 हट गया, P4 बन के। जैसे आर्सेनिक +3O2 आर्सेनिक ऑक्साइड, बन गई, ये भी हट जाएगा। जैसे सल्फर S8+8O2 8SO2 ये भी बाहर बन करके उड़ जाएगा। अब बचा, अगर कोई सल्फाइड अयस्क हो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड में। जैसे ZnS+O2 ZnO+SO2 यहां पे दो दे देंगे, यहां पे दो हो गया, दो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जैसे PbO है, PbS है लेड सल्फाइड, अगर हम 3O2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? Twice PbO plus SO2 और ये बन जाएंगे। इस तरह से हम ऑक्साइड को, कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में बदल देते हैं और सल्फाइड को भी ऑक्साइड में बदल देते हैं। ऑक्साइड सल्फाइड को अयस्क में बदलने के लिए जारण या भर्जन का प्रयोग करेंगे। अगर हमको कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निस्तापन और जारण के बीच में अंतर स्पष्ट करें, तो आप क्या कहेंगे कि यह गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो निस्तापन,
अगर गलनांक के नीचे वायु के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जारण। इसमें कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है और इसमें सल्फाइड अयस्क जारण में सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हम समझ रहे हैं बाबू, आप लोग इसे ढंग से सुने, देखें, अपने दोस्तों को बोले, प्रेरित करें देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बार बार रिविजन करें। हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कि ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।